इसके बाद में मॉनिटर करेंगे, बाइट कर दूंगे। और बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का संरक्षण और बच्चों का पुनर्वासन किया जाए, ये मेला प्रशासन से भी अपेक्षा की गई है कि वो जिस प्रकार से बाकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी यहाँ इस प्रकार से कोई शेल्टर होम हो जिसमें बच्चा अगर आता है कुछ घंटे रहता है तो उसको वहाँ व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, इस व्यवस्था का वायदा किया है। डीएम साहब, सुप्रीम तिवारी साहब जाकर अभी बड़े बात करें। मुझे लगता है कि इस कुंभ को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए हम सभी, खासतौर पर बाल संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश का, पार्टनर के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर इसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाने में, बच्चों को पार्टनर हमारे साथ मौजूद थे जिसमें एनजीओज भी थी, जिसमें यहाँ जिला प्रमोशन अधिकारी भी थे, जिसमें जिसमें जे बोर्ड के भी लोग थे, तो इन सब के साथ एक योजना बनाई गई। आदरणीय एडीएम साहब यहाँ, सीपी तिवारी साहब चूंकि इस मेला के एडीएम हैं और जो प्रशासनिक रूप से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं, तो उनके साथ एक योजना ये बनी है कि जितने बच्चे भी यहाँ पर आएंगे उन बच्चों के लिए एक केंद्रीय कार्यालय बनेगा और उस केंद्रीय कार्यालय का जो जुड़ाव जो होगा वो यहाँ जो 22 थाने बनेंगे, उस 22 थानों में जो भी बच्चे आएंगे उसका सीधे तौर पर नियंत्रण कंप्यूटर पर जाकर, स्क्रीन पर जाकर बच्चों को प्रस्तुत किया जाएगा। जो माँ बाप उनको देखेंगे या जो भी माँ बाप आएंगे वो केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करके, हमारी जो एनजीओज बैठेंगी, बाल कल्याण समिति रहेंगी या